गाइस, जैसे हमने पहले देखा कि बेसिक हम लोगों ने दो स्नेक बनाए। इसके साथ भी अगर आपको लगे इसमें और भी डिटेल में जाना है तो मैंने चैनल पे गंगा धरेश और महादेव बनाया, उसमें भी मैंने स्नेक बनाया। उसमें अलग टेक्निक है, ठीक है, उसे भी देखना। उसमें भी आपको थोड़ा सा लगे तो उसमें आपको और इजी मेथड भी पता चलेगा। इसमें मैंने बेसिक के मैंने बने बनाए चीज़ों को मैंने ऐड ऑन कर दिया कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना था ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं, इसके सिवाय भी बहुत सी चीज़ें। तो व्हाट यू वांट, अभी तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई शेप्स को कैसे बना सकूँ, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकूँ। डिटेलिंग जितना दे सको उतना कम है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाओगे, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। जैसे देखें यहाँ पे छोटा सा पार्ट यहाँ पे देने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे साइड में ये हल्का सा ये इधर की तरफ छोटी छोटी सी लाइनें यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ये जैसे थोड़ा सा देने की कोशिश की, वो यहाँ से वैसे कुछ है और यहाँ से कुछ ऐसा है। छोटी छोटी चीज़ों का देखोगे, नोटिस करोगे तो बहुत सी चीज़ आपको देखेंगे यहाँ पे, चीज़ों को किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे दे रखा है, ये पार्ट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये काइंड ऑफ ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट किया है, यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मिंग जैसे यहाँ पे सिंबल क्लिक कर दिया एफ फॉर फॉर्मिंग, तो फॉर्मिंग सॉफ्ट से मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, स्विफ्ट एंड स्मूथ देखो ब्लेंड करके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज भी किया जा सकता है। तो शेप्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, किस टाइप से आप उन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये आप बहुत आप ऐसे मैनेज कर देते तो अपने यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर देगा, भी आपके पास यहाँ पे चीज़ आएंगे। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं जिस मैंने एक सिंपल प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें आपको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, जैसे अभी यही अगर मैं प्रोडक्शन या किसी और पर्पज से बनाता हूँ तो वहाँ पे क्या करना, मुझे वहाँ पे दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया ना गंगा देवी और महादेव मैंने बना रखा, उसमें देखो तो उसमें अलग है, आदि योगी जी का भी मैंने फेस बना रखा उसमें, आप देखो उसमें अलग टेक्निक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को बस वैसे मैनेज करके दिखाया कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैनुअल ड्रॉ करने का पैटर्न बनाया, आप इसका अल्फा भी बना के काम कर सकते हो। जिस सपोज जैसे देखा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने क्या स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया, मेरे पास ऐसा भी कुछ एक पैटर्न है, जैसे अल्फा पे गया, अल्फा में मैं कुछ एक पैटर्न यहाँ से मैं कुछ लेके भी मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँगा, ये भी एक पैटर्न में ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे भी देखा अलग अलग पैटर्न के साथ भी मैं काम कर सकता हूँ। तो ये भी आपका मेथड है कि आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन ये लाइन है, तो आप अल्फा को भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर आप देखो जैसे छोटे छोटे डॉट हैं, देखो अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज ये मैंने कर दिया क्लिक एंड ड्रैकिंग यूज़ कर लूँ, यहाँ पे ट्रैक है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे भी कुछ पैटर्न दे रखा। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया तो ये नेगेटिव ऐसे भी दिक्कत दिखे यहाँ पे, आप ऐसे करके भी मैनेज करके आप ऐड ऑन करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। पैटर्न्स को आप कैसे मैनेज करके दे रहे हो, आप देखो यहाँ पे ये पैटर्न आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये आपको पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपके पास इम्पैक्ट बहुत बेटर सा दिखे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना, ये सब हम लोग मैनुअल अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा आप ये देखा ठीक है, ये काइंड ऑफ यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे चीज़ें आपको ऐसे भी दिखेंगे और मैनेज करते मिलेगा यहाँ पे वो शेप्स को आप ऐसे भी करोगे। अभी एक बार में इतनी सारी चीज़ें एक बार में बन गया यहाँ पे। तो अगर ये पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को आप देखोगे तो पैटर्न्स को आप देखोगे यहाँ पे सबके पैटर्न्स कुछ एक जैसे ही है, ठीक है। एक एक करके आप बना चाहो, एक एक करके बना लो, ठीक है। ऐसे पैटर्न बनाना, ऐसे पैटर्न बन करके बना लो। तो ये आपके पास टेक्निक है, जिस टेक्निक को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिनिशिंग के साथ अगर आप काम करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो सर मैं मैनेज करूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, ये तो मूव टूल गया, यहाँ से मैंने मूव ब्रस ले रखा है, देखो इस शेप्स को तो सा मैं बैलेंस कर दूंगा। मैंने क्या प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसी ये अपार्टमेंट तो यहाँ से कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इधर मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया, यहाँ पे आप बैलेंस करोगे तो आपको बैलेंस में चीज़ें बेटर दिखेंगे। अगर यहाँ पर ये देखें ये काइंड ऑफ आपको ऐसे थोड़ा सा फिनिशिंग थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना, क्योंकि मैनुअल में आप काम करो मैनुअल में थोड़ा सा टाइम देकर और चीज़ें भी ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर देखो यहाँ पे कितनी फिनिशिंग में काम करो, जब आप फिनिशिंग में काम करो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि भाई चीज़ों को मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना, तो वैसे भी मैं कुछ मैनेज करके भी दिखा के जाऊँगा, भाई मुझे ऐसे कुछ काम करना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे देखा अभी ये काइंड ऑफ, तो ये देखो काफ़ी चीज़ों का आप यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चाहिए तो मैं इधर से ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ये भी आपका एक लाइक एक नेक्स्ट लेवल है कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखें अभी पैटर्न्स को कैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, पैटर्न्स को कनेक्ट करते तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डैम स्टैंड पे यहाँ पे मुझे अगर देखो यहाँ पे मैंने खत्म कर तो बहुत बेटर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैंने इधर ये
काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव हो गया यहाँ पे, ये पर्सपेक्टिव में आप चीज़ों ऐसे दिखा पाओगे तो आपको देखो यहाँ पे चीज़ ऐसे देखेंगे मुझे आप देखें अभी ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने दिखाया है, मैं बस आप सिर्फ ऐसे जा रहा है तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा पाऊँगा। तो ये भी बेसिक से सिर्फ मैंने लिख दिया भाई, मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना तो ऐसे भी काम करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेप मैंने दिया भाई, चलो मुझे यहाँ पर कुछ काम करना है, इधर उधर आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो काइंड ऑफ बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बस जो इमेजेस है उस इमेजेस पे आते हैं हम लोग। यहाँ देखो इमेजेस मेरे पास देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, अभी यहाँ से चीज़ों को तो उसमें ब्रेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं नॉर्मली देखो तो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने फ्लोर किया यहाँ पे, ये मेरा स्नैक वाला पार्ट ऐसा देख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मुझे बाई चांस मुझे इस पैटर्न को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे काम करूँ भाई, मुझे यहाँ पे जो नेक वाला पार्ट है ऑल टू लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखें, ये मैंने थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे दिया, मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। फ्लोर पे ध्यान देना, अभी यहाँ पे कौन से वाले पे काम करते हैं भी ध्यान देने का। जैसे मैंने किसी चीज़ पे ड्रॉ करने के लिए काम किया था, बस देखो एक के अंदर मेरे पास डिवीजन है, डिवीजन में अगर मैं देखो ज्योमेट्री में गया यहाँ पे इसमें डिवीजन है, तो इसमें अगर मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने दूसरे लेवल पे अगर मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे चीज़ों को तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इसे ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं तो जस्ट अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे अगर डिटेल में जाओगे तो डिटेल में चीज़ें कुछ ऐसे हैं जो शेप्स को आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सको। स्टैंडर्ड पे गए, मैंने तो और सा पे मैं मसल्स मैं चाहता हूँ तो और मैं दूँ मसल्स का, तो और सा यहाँ पे देखो कुछ चीज़ यहाँ पे मसल्स इसमें फ्लैट है, यहाँ पे मैं तो मैं मसल्स को यहाँ पे थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बस अल्फा इन सबों को मैं ऑफ कर देता हूँ, ट्रैकिंग को मैंने सिंपल सा पार्ट फ्री हैंड कर दिया यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं तो मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखाऊँ यहाँ पे। ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने जो दिखाया ये जो पार्ट दिखा भाई ये आपको यहाँ से इस टाइप से चीज़ देखती है यहाँ पर, तो मैंने इसको थोड़ा सा जस्ट एक लाइन से मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मुझे पास नेक पे कुछ काम करना था, जैसे ये दिखा यहाँ पे, अभी इस पे अगर जाएंगे तो मुझे इसके ऊपर कुछ चीज़ों को अलग से ड्रॉ करते हुए दिखाना है, जैसे किसी चीज़ को ड्रॉ करते दिखाना है तो मैंने आई प्रेस कर दिया, आई में जाकर मैंने अभी क्या किया स्पेयर, ठीक है। मैं स्पेयर ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया स्विफ्ट एंड क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर स्विफ्ट एंड क्लिक एंड देन डिसलेक्ट, ठीक है। और देन यहाँ पर आप यहाँ से ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स भी होते हैं, स्ट्रोक्स पे गए, स्ट्रोक्स के कुछ फीचर्स होते हैं, लेजी माउस है, कर्व मोड है, कर्व मोड को ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये देखो ये आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, तो आपको ये भी एक पैटर्न दिखेगा। अगर आपको लगता है ऐसे ड्रॉ करना है ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मैच करना तो आप ऐसे वहाँ से भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो, यहाँ पे देखें ये अगर मैंने यहाँ पे दिखाया ये देखो ये एक दो तीन ये यहाँ तक मैंने कर दिया, ऐसे पैटर्न भी है। अभी मुझे यहाँ पे लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मना मैनेज करना तो मैंने यहाँ से थोड़ा साइज़ बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को जैसे आपने यहाँ पे क्या रखी देखा ये काइंड ऑफ आप ऐसे भी बढ़ा के दिखा सकते हो आप यहाँ पे, कि पैटर्न को आप ऐसे भी ड्रॉ करके दे सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करना हो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद अगर आपको लगे इसमें थोड़ा सा चीज़ों का बैलेंस करना तो बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने ड्रॉप किया फ्लोर पे गया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैंने स्प्लिट किया, मैंने यहाँ पे ग्रुप स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ओके, ठीक है। ग्रुप स्प्लिट में कर दो यहाँ पर स्प्लिट आ जाएगा, आपको भी यहाँ पे क्लिक करना शिफ्ट एंड क्लिक कर देना, इसको आपको कर देना ऑफ। तो बैकअप में आप रखोगे तो आपको यहाँ पर चीज आएंगी, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे देखा मैं, अभी यहाँ से मैंने किया भाई मैंने यहाँ पे देखा ये इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेप को मैनेज करता नजर आने का। देखो यहाँ पे मैं जब मैनेज करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या अभी थोड़ा सा मुझे 3D एंगल देखना है तो मैं चीज़ों को देख पाऊँगा यहाँ पर। देखो यहाँ से मैं जब मैं करता हूँ ऑल टॉल देखना यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर तो और बहुत चीज़ों को और बैलेंस करके दिखा देना है। तो मैं यहाँ पर वापस गया, ठीक है। यहाँ से देखें अभी यहाँ पर मैं वापस गया, कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखें अभी मैंने यहाँ से क्या कर दिया यहाँ पे गए, ठीक है। एंड शिफ्ट ये देखें अभी ये यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ से ये ऐसे 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 करके भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ से भी एक पैटर्न यहाँ से माला होती है, माला को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो तो भी आपका पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, आप इसको ऐसे मूव करके भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो बहुत ही चिपका हुआ नजर आएगा आप, जैसे आपको मसल्स वैसे आपके यहाँ पे चीज दिखेंगी, आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा पैटर्न को मगर ऐसे मैं ऐड ऑन करके देता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। इसी में आप जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ब्रशेज बनाया, ठीक है, ब्रशेज बनाने के लिए मैंने अभी जस्ट
पॉइंट बनाएगा। इसी में अगर रुद्राक्ष जैसे बनाए तो मैंने रुद्राक्ष जैसा भी मैंने आपको वो जैसे गंगा देवस्व महादेव में मैंने बना के दिखाया कि रुद्राक्ष जैसे किसी को ब्रश कैसे बनाओगे ऐसे ड्रॉ कैसे करोगे, तो एक बार उसे भी गो थ्रू करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ स्प्लिट टू सिमिलर पार्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कौन सा बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड सेफ्ट एंड क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट को मुझे नहीं चाहिए और इस वाले पार्ट को मैंने ऑफ कर दिया, तो ये मेक श्योर यहाँ पे। यहाँ पे दूसरी चीज़ ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैटर्न मैंने लिया, मूव मैंने करके रखा देखा यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ से तो ऐसा चीज़ को मैं मैनेज करूँगा। देखो ये पैटर्न जो मैंने दिया मैं स्टेप से मैं दिखाने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी भाई। मुझे अगर ऐसे कुछ पैटर्न में दिखाना है तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करते हो दिखाओगे तो चीज़ आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ऑल्ट लेफ्ट की, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, जो बहुत बेटर सा मुझे फील नहीं दे रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने क्ले बिल्डअप लिया यहाँ पे, क्ले बिल्डअप से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ को कम करके मैंने थोड़ा सा इसकी कनेक्टिविटी इधर बना दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, ये अगर कनेक्टिविटी बनेगी तो बहुत चीज़ों को मुझे यहाँ पे ईजी होगा काम करने के लिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ये कनेक्टिविटी बनेगी ना तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा इधर से कर्व स्मूथ कर दिया, कहीं ऑड ना लगे, जहाँ पे लगे आप वहाँ पर थोड़ा सा काम कर सकते हो। ये एक बेसिक लेवल में आपको चीज़ों को बता रहा हूँ कि भाई बेसिक लेवल में आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। देखें आप, देखें ये काइंड ऑफ ये आपने यहाँ से कर दिया स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये आप यहाँ से ब्लेंड कर सकते हो। कोई भी चीज़ लाइक कटआउट नजर ना आए, कटआउट में जैसे दिख रहा है अभी ये जो पार्ट दिख रहा है साइज छोटा किया मैंने, अभी ये थोड़ा सा निगेटिव स्कल्प किया मैंने, थोड़ा सा जैसे मैंने मिलाने की कोशिश कर दी यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को वैसे ही मैनेज कर दोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं करना, यहाँ लगे आपको थोड़ा सा नीड है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्कल्प कर देना यहाँ पे। अभी वो जो पैटर्न जो दिख रहा था उतने से वो कहीं ना कहीं और जो फील दिया तो वो अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा। किसी भी चीज़ को फिनिशिंग लेवल पर जाओगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, देखो यहाँ देखना भाई। जब आप इन चीज़ों को ऐसे स्टेप से मैनेज कर दो तो यहाँ पर देखो ये फुल एंड फाइनल देखो वो बीच का पार्ट लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कुछ ऑड नहीं लग रहा। उतने से कहीं ना कहीं वो लग रहा था यार कि कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा टचअप देना पड़ेगा, तो मैं टचअप दे सकता हूँ। इसमें भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं, मैंने जैसे एक बेसिक लेवल को मैंने टच किया, बेसिक और मिड लेवल को, कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करें तो मेरे यहाँ पर चीज़ें निकल के आएगी। आप यहाँ पर इनको और इधर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टिविटी देख के आप यहाँ पर स्कल्प कर सकते हो। इन सब चीज़ें स्कल्पिंग में स्मूथ में टाइम नहीं लगेगा, आप ऐसे स्कल्प करो, मैनेज करो, ब्लेंड कर दो, स्विफ्ट प्रेस करके तो आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देखो हल्का सा। ठीक है, एंड सेफ्ट एंड क्लिक किया, देखो यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, मुझे भी यहाँ पे जो मुझे जो पॉइंटेड चीज़ जो मैंने दिया यहाँ पे नेक पे जो देखा कम वाली चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, आप चाहो तो डबल करना चाहो डबल कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिलीट और ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसी में बाई चांस अगर मन करे कि नहीं मुझे भाई बहुत सी चीज़ों को स्ट्रिक होना है तो मैं स्ट्रिक होने के लिए इन चीज़ों को भी मैं फुलफिल कर सकता हूँ। भाई मेरे पास अभी क्या है, अभी फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग पे गए देखें आप, देखें भाई उन चीज़ों को मैंने दिया। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा मुझे हेयर पे काम करना है जैसे मैंने देखा है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। अभी थोड़ा सा टचअप दोगे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा पैटर्न बना दिया। जो अभी यहाँ पे पैटर्न को मैं थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को जैसे लगे कि भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे इसको थोड़ा सा वैसे ही निकालना, तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पे फ्लोर पे गए। ठीक है, अगर ऐसे लगे नहीं मुझे ना ऐसे ही काम करना ऐसे ही निकाल देना तो एक पैटर्न ले भी खाता हूँ, शिफ्ट एफ वायर फ्रेम में है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया इसको, ठीक है यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दिया, फ्लोरिंग डिस्ट लैक करो यहाँ पे। देखो आ रहे हैं, यहाँ पे देखो डिवीजन कंट्रोल डी कर दो, देखो यहाँ पे अभी से याद है, एक और डी कंट्रोल डी प्रेस कर दो। देखो यहाँ पे मास्किंग करके सेट कर लो क्या इसमें, भाई डिवीजन कितना हो रहा है, किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे ज्योमेट्री एक्सट्रैक्ट करना है। डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है देखो यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने अभी देखा दिस इज गुड, फ्लोर पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया एक्स ऑन कर दिया यहाँ पे। देखा तो अभी आप यहाँ पे अगर काम करें तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, देखें यहाँ पे तो ये आपको आइडिया मिल जाए प्रोस्पेक्टिव में दिखना है। ये कंट्रोल क्लिक यहाँ पे मैंने कंट्रोल क्लिक कर दिया, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया अभी यहाँ पे। ठीक है, आप फ्लोर पे आओ तो देखो, देखें यहाँ पे तो अभी आपके सेम पे चाहिए तो जो नजर आएंगे जैसे आपको देखें ये काइंड ऑफ ये मैंने पैटर्न लिया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट जैसे कभी माइंड में कि नहीं मुझे एज इट इज बनाना है सेम ही बनाना, तो आप ये ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट पे गए, डबल ऑफ कर देना एक्सट्रैक्ट में, देखो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में आपको यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे देखना ये एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट है, देखा कितना एक्सट्रैक्शन में चाहिए वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट टू है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 0.05 कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्टेड, डन,
ठीक है। अब इन चीज़ों को मुझे तो ऐसा मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को मुझे फुलफिल करना है तो देखो दो तरीके हैं काम करने के, एक तो स्विफ्ट एंड स्मूथ करके मैनेज कर दें, यहाँ पे ये मैनेज हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने मैनेज कर दिया, देखो बॉर्डर आपका बेसिक बॉर्डर पर यहाँ पर कवर है, तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे दूसरी चीज़ें डिसलेक्ट कर दिया स्विफ्ट एफ, यहाँ पे देखना आप अभी जैसे फ्लोर पे गए, यहाँ पे मैंने देखा ये जो पैटर्न है इन पैटर्न को मुझे यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा आगे पीछे करना, आगे पीछे का मतलब स्टैंडर्ड पे गए, देखो यहाँ पे ये जो सेफ दिख रहा है ये काइंड ऑफ यहाँ ध्यान देना क्या, देखो नेगेटिव ज़्यादा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ठीक है ये काइंड ऑफ आप ऐसे फ्लोर वाइज ठीक है ना भाई, ये आपने यहाँ पे किया और यहाँ से आपने यहाँ पे कर दिया और यहाँ से आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से आपने यहाँ पे कर दिया और देन बीच वाले पार्ट को आपने ऐसे कर दिया, अंदर से पार्ट को तो आपने इधर इधर और इधर और इधर, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ ऐसे भी चीज़ों का मैनेज करोगे तो आपको सब चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ ऐसे पैटर्न को भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। इसी में अगर आप नॉर्मल फ्लावर भी बनाना चाहते हो तो नॉर्मल फ्लावर भी बैठ के आपको बना सकते हो, आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर दो आप यहाँ पे, ठीक। इसके सिवाय जैसे ये तो मैंने बेसिक सा पैटर्न बना दिया भाई, मेरे पैटर्न है, इसके सिवा मूव भी आता है। देखो मूव में क्या होता है, जैसे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे इनको, जैसे ये एक 2D शेप में है, इसको मैं दोस्तों मैं बाहर की तरफ मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं मैनेज कब करूँ, जब इनको मैं दोस्तों फ्लोर वाइज पे गए, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, सबको बुला लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सबको बुलाने के बाद फोकस, और देन यहाँ से मैंने मूव कर दिया, यहाँ पर मूव करने के बाद मैं यहाँ से इधर लेकर आया, तो मुझे यहाँ पर चीज़ चाहिए। तो जब आप प्लेसमेंट देने वाला हो तो प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखेगा, अच्छा मैं प्लेसमेंट में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इमेजेस को, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा अंदर टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब यहाँ पे चीज़ें ऐसे हैं जैसे हम लोग इस पैटर्न को क्या कर सकते हैं, जैसे आगे की तरफ दबा हुआ है, तो हम लोग वैसे मैनेज कर सकते हैं। तब ये जो लुक एंड फील जो आएगा ना वो इसके साथ आएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉप पे गए, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ पे, ठीक है। एंड देन स्विफ्ट एंड क्लिक, यहाँ देखना अभी यहाँ पे जब जाते हैं तो इसके मुझे यहाँ पे क्या करना है, मूव के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैं पैटर्न को देता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं अंदर तरफ पिक ब्रैकेट से मैं थोड़ा सा अंदर तरफ ये कर देता हूँ, अंदर की तरफ देखना अभी यहाँ से अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा पैटर्न को ये बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ये बाहर किया मैंने यहाँ पे फोकस, 3D वाला डेप्थ को समझना है क्या, यहाँ पे मैंने कर दिया इतने पैटर्न को। बिस्कट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो स्विफ्ट एंड क्लिक ये आप थोड़ा सा मैनुअल भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये देखो ये आगे तक जाएगा, ये आगे तक जाने वाला है, ठीक है। ये पैटर्न आपको यहाँ से, ये पैटर्न आपको से यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न आपको से यहाँ पे, तो जैसे आगे तक खिंचा होता है ना, वो आपको ऐसे फोकस करके दिखा देना। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि भाई मेरे पास ये शेप्स मेरे पास ऐसे हैं, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, तो मुझे यहाँ से इस वाले पैटर्न को भी यहाँ से ऐसे करके भी मैं मैनेज करके दिखा दूँगा यहाँ पे, ये देखना यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ शेप्स कैसे जा रहा है, ये आगे तक जा रहा है, तो ऐसे करके इधर मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। अभी डिसलेक्ट करते हैं मैंने अभी यहाँ पे, अभी इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और टच दे दूँगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है। यहाँ देखना यहाँ पर ये शेप्स नहीं रहा, देखो यहाँ पर ये काइंड ऑफ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने हल्का सा छोटा करके देखें, ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं चीज़ों को ये स्टेप से भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखेगा स्विफ्ट एंड स्मूथ, देखिए ये पैटर्न देखें, ये काइंड ऑफ ये आपका पैटर्न देखेगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया। आप यहाँ पे दोस्तों दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब इन शेप्स को देखो, ये कनेक्टेड ये भी शेप आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे आपने ये शेप बनाया है, तो देन ये शेप्स को आप ऐसे भी लेके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये काइंड ऑफ शेप्स को आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये भी आपका शेप्स आपके यहाँ पे कनेक्टेड हो सकता है। तो ये बेसिक पैटर्न भी आप यहाँ से देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखना ये नॉर्मली मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक शेप्स में ये भी यहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है। ताकि यहाँ पे देखें अभी ये काइंड ऑफ यहाँ से ऐसे ये काइंड ऑफ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मैंने स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, ऐसे करके भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा ब्लेंड कर दोगे मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये आपके ऐसे भी आ जाएंगे, इतने से आपका काम हो जाएगा, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और
है यहाँ से मैं जैसे मैंने कुछ फ्लावर्स यहाँ पे तैयार करने का ये काइंड ऑफ यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ फिर ठीक है। ऐसे भी आप ड्रॉ करके बनाओगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा अपने पर ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न वाइज आप जो है मैनेज करो तो ये पैटर्न आपके यहाँ पे दिखेगा अपने पर ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज करके दूँगा तो मेरे सब चीज़ दिखेंगे भाई मेरे ऐसा कुछ एक पैटर्न है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। यहीं लगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग को थोड़ा सा मैं मिलाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये पार्ट में ऐसे भी ऐसे करके भी मैं मिला के दिखा सकता हूँ देखा वैसे भी ना तो ऐसे भी करके मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा इधर भी ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा पैटर्न को आप यहाँ पे लेके चलोगे तो आपको यहाँ पे भी काम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी आप काम कर लो ठीक है। मैंने ऐसे भी मैंने मैनेज कर दिया स्विफ्ट एंड क्लिक फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न्स को आप देखोगे यहाँ पे चीज़ देखेंगे आपको इस यहाँ पे। इसके बाद जैसे मैंने कहा अभी मुझे हेयर पे जो काम करना पड़ेगा हेयर वाला पार्ट मुझे अभी पीछे से कवर करना पड़ेगा जो मेरे पीछे वाला पार्ट है ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं गया ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे नॉर्मली मूव इसे मैं फिलहाल में कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखना पहले से मास्किंग है तो डिसलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे देन यहाँ पे आप मूव कर दो ठीक है। यहाँ से आपने लेयर ऑफ कर दिया आपने यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया ड्रॉप है गया और ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे अभी जो बेसिक शेप है ना उस शेप्स को मुझे ऐसे कवर अप कर देना जो इधर से हेयर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो हेयर जो नज़र आने हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेयर के साथ में थोड़ा सा मैं गेम प्ले करने वाला यहाँ पे यहाँ से मैं शेप्स को यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ मेरे पास यहाँ पर शेप्स यहाँ से ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं थोड़ा सा चाहिए मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मैं बस फ्रंट से जो मुझे बस जो दिख रहा है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ मैंने यहाँ पे क्या मूव किया आपको सब चीज़ें ऐसी हैं आप मूव से करना चाहते हो वो भी वेल एंड गुड है। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है। ये आप इधर से और इधर से भी आप मैनेज करना चाहते हो कर सकते हो देखो ठीक है। ये देखो आप ये आपने यहाँ पे सिंपल सा बैटर्न आपने यहाँ पे देखिए ये इधर से इधर कवर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से फ्रंट से देखो तो फ्रंट से आपको हेयर यहाँ से कवर करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। तो ये जब आप पर्सपेक्टिव में बना रहे होते हो पर्सपेक्टिव में बना रहे हो आपको आइडिया मिलता है ओके दिस इज गुड यहाँ से हमने चीज़ को मैनेज किया ये बैटर्न मुझे यहाँ से इधर दिख रहा होता है। तो देन यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ ये पर्सपेक्टिव में यहाँ से आपको चीज़ों को मैनेज करना है तो आप यहाँ से देखो आप ये जो शेप्स है ना देखो हेयर के भी शेप्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा काम करूँगा यहाँ पे देखो यहाँ से मैं सिंपल से पैटर्न को मैं लेके चलता हूँ मुझे यहाँ पे भी हेयर पे थोड़ा सा काम करके देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे हेयर इधर से ऐसे मैं थोड़ा सा एक बेसिक सा पैटर्न दूंगा मेरे पास शेप्स यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे ठीक है। तो बैलेंस जब होंगे जब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा इधर से मैं ऐड ऑन करूँगा मूव करने से भी हमारे बहुत सारा काम बहुत बेटर नहीं होता है यहाँ पर ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे यहाँ पर चीज़ और बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। तो फ्रंट से मैंने यहाँ पे किया फ्रंट से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे मैं इस चीज़ों को मैं कवर अप कर पा रहा हूँ ठीक है। ये वाला पार्ट को मैंने दिया यहाँ पे और दो कुंडल भी है आपके पास यहाँ पे ठीक है। तो कुंडल के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जैसे कुछ छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स को मैंने यहाँ पे दिया था जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे मैं चलता हूँ इंसर्ट इंसर्ट में क्या मैंने एक रिंग ले लिया रिंग को लेके यहाँ पे स्विफ्ट एंड क्लिक यहाँ देखो देन यहाँ से मैं कुछ चीज़ें मैं डिफॉर्मेशन से कर सकता हूँ। आप भी यहाँ पे जैसे कर सकते हैं यहाँ पे टेपर है टेपर देखो यहाँ पे टेपर में देख रहे आप ऐसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो टेपर आपने किया टेपर से देखें अभी ये काइंड ऑफ आप यहाँ से चीज़ों को दिखा सकते हो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कुछ ऐसे दिखेंगी तो मैं यहाँ पे एस बैंड ठीक है ऐसे करके मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे। और इसके साथ में मुझे अगर लगे कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को और काम करना है तो ठीक है तो मैं यहाँ पे जैसे टेपर मैंने दिया और टेपर का यहाँ पर तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ मैं ऐसे दे सकता हूँ मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया इसको मैंने ऐसे रखा मैंने कहा भाई अब मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसे भी कर सकता हूँ। बाकी शेप्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है मैंने बता ही दिया है तो आप एक्सट्रैक्ट करके भी आप वहाँ पर काम कर सकते हो आप यहाँ पर ठीक है। तो फिलहाल में तो मैं भी यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ मूव पे गए यहाँ पे एक बार हमने मैनेज किया यहाँ पे ठीक है। रोटेशन पे गए रोटेशन पे यहाँ पे गए ठीक है एंड देन यहाँ से इधर इधर से इधर हल्का सा रोटेशन ये स्केलिंग ठीक है। यहाँ पे आप शेप्स को दे सकते हो जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक यहाँ पे मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा मैंने इधर पॉइंटेड ठीक है यहाँ से मैं चाहिए वो तो सर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर अगर लगे कि भाई राउंड लगाना है राउंड लगा दो आप ऐसे कुछ मैनेज करना है ऐसे मैनेज कर दें यहाँ पे ठीक है। और देन यहाँ से चाहिए वो तो ऐसा स्केलिंग पे मैनेज कर दो स्केलिंग देखो यहाँ पे आप ऐसे करके भी थोड़ा सा प्लेसमेंट दे सकते हो आप यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा 3D का इम्पैक्ट देखिएगा तो आप यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ ये आप जब तक आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल नहीं करोगे वो थोड़ा सा बैलेंस और मैनेज नहीं लगेगा यहाँ पे।
ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, और मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर पे मैंने ये कर दिया। तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को आप ऐसे फुलफिल कर सकते हो कि बेसिक्स में आपको यहाँ पे दो सौ चीज़ नज़र आ जाएंगी आप यहाँ पे। ठीक है, अभी जब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैटर्न को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मतलब काफ़ी तो चीज़ों को हमने कवर किया, अभी मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, एक मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न मुझे जो बचा, मुझे स्नैक बनाना है। दूसरे पैटर्न पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चीज़ों को दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और देन इन चीज़ों को मुझे फुलफिल करने के लिए फटाफट से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक। अभी इन दोनों के बीच में मुझे एक चीज़ चाहिए जिसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करने वाले हैं, भाई मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सब टूल में गए, यहाँ से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायनेमिक्स में रखूँ। अब डायनेमिक्स में जाऊँगा तो ये दोनों ही पैटर्न मुझे यहाँ पे डायनेमिक्स में जोड़ना पड़ेगा। डायनेमिक्स जोड़ते हैं यहाँ पे क्या होगा, देखो जोड़ गया, ठीक है, शिफ्ट एफ। लेकिन ये दोनों को जोड़ने के लिए मुझे पहले मर्ज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही पैटर्न मेरे पास अलग हैं। यहाँ पे देखो ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है। तो इसको अपने यहाँ पे क्या, इसको सेलेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे और नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिकल वर्क कर रहा है तो मैंने इसको इससे नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। ये बस हेयर वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज पे गए, मर्ज डाउन कर देना आप यहाँ पे। ठीक है, मर्ज डाउन कर दोगे आपका मर्ज डाउन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ कि नहीं, देखो कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे, तो मर्ज डाउन हो गया। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ से मैं ये क्लिक हो गया। ठीक है, अभी जाओ यहाँ पे मिलेगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में गए डायनेमिक्स, डायनेमिक्स करते हैं यहाँ पे चीज़ जोड़ जाएंगे। डायनेमिक्स करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ताकि जब जोड़ेगा तब मैं यहाँ पे जाकर कोई चीज़ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे ड्रॉ करते हुए दिखाना है, तो ड्रॉ करते हुए मैंने फिर से एक बेसिक सा सेटअप में ले लेता यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट वी वॉन्ट, शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। धीमे धीमे देखो आप कुछ चीज़ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी चीज़ों पर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, आई प्रेस कर दिया है, आई में जैसे मैंने ना, अभी मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चीज़ों को मुझे ऐसा लेके चलना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। रेफरेंस में देखो, रेफरेंस में ये ऊपर से एक सिंपल एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्हाट वी वांट, यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर साइड शेप पे एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर डिवीज़न है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा साइज को लेके यहाँ से, ठीक है, अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ ऐसे भी दिखेंगी। देन इसके बाद अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ देखो यहाँ से, तो मुझे अभी पैटर्न वाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे दिखाना है, तो यहाँ से ये 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 यहाँ पे चीज़ को दिखा सकते हैं यहाँ पे। देखें अभी ये काइंड ऑफ इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, मिलाना मुझे यहाँ पे और यहाँ से देखो यहाँ पे, देखें ये पार्ट मुझे यहाँ पे देना है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न मुझे यहाँ पे लगाया कि थोड़ा सा मुझे और एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने अनडू कर दिया और मैंने क्या किया, शिफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे। शिफ्ट क्लिक कर दो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे देख गया, अब यहाँ पे बहुत हॉच पॉच हो गया। कई बार शिफ्ट क्लिक में बहुत बढ़िया नहीं मिलता है, देखो यहाँ पे देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट आएगा तो मतलब मज़ा नहीं आने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ा सा साइज को छोटा किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक तरफ से मैं मैनेज कर देता था, यहाँ देखना ये मैं पैटर्न देख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखेगा। ओके, और तो बहुत मैं चीज़ों को इसके बाद में एडजस्ट करूँगा क्या, यहाँ देखिए देखना ये काइंड ऑफ इधर से, तो अभी इधर से या इधर से मैं एक तरफ से मैं मैनेज करके दूंगा। भाई मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है तो करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक्स लिया मैंने यहाँ पे, एक्स से मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ आप डील करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें भी दिखेंगी यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो मैंने यहाँ से ये शिफ्ट, ओके चलो एक बार ट्राई मारते हैं। अगर मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट, बहुत छोटे छोटे हॉच पॉच से, लेकिन अगर मैं डायनेमिक्स करूँगा तो मैं उस डायनेमिक्स से ठीक पहुँचाऊंगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, तो एक बार जस्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ज्योमेट्री में गए, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो पहले ये सब टूल पे गए, यहाँ पे एक मेरे पास स्प्लिट मिलेगा, स्प्लिट सिमिलर पार्ट, ओके ग्रुप मत कर देना, फर्स्ट जाओगे यहाँ पे। ठीक है, देन इसको मैंने लेने के साथ मुझे यहाँ पे क्या कर, ज्योमेट्री में गया और मैंने कर दिया डायनेमिक्स, शिफ्ट एफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये डायनेमिक्स कर दिया, ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। तो मुझे स्कल्पिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये देखना, अब ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे तो स्कल्पिंग करके भी मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ये काइंड ऑफ। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, देन क्लिक एंड ड्रैग करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ में ऐसे भी गेम खेल लिया, आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट देखें यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को दोस्तों मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। देन यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन
और यहाँ पर आप चीज़ों को ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करो, ये अपना ऑटोमेटिक चीज़ों को मैनेज कर देगा। यहाँ पर डायनामाइज करने के बाद जैसे मैंने बताया कि भाई जेड ट्रिमेसर होता है, जेड ट्रिमेसर कर दो तो जेड ट्रिमेसर में आपका सेव्स आपका ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा। आपका ये भी तरीके हैं आपको काम करने के, क्लिक एंड ड्रैग कर देगा, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी ये आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको दिखाया कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न है जिसको मैं थोड़ा समय मैनेज कर सकता हूँ, हल्का फल्का मैंने स्केलिंग किया, देखो यहाँ पे देखा इस तरह से स्केल भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके सिवाय जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉ किया अभी, जैसे मैं सेफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कर्व भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा इसमें मैनेज करूँ, मैंने यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे गया और मैंने यहाँ पे क्या किया इनमें से थोड़ा सा इज इट पॉसिबल, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्फ्लेट, ठीक है। तो मैं थिकनेस बढ़ाऊँ तो ऐसे भी इन्फ्लेट में थिकनेस बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। मेरे यहाँ पे जो शेप्स बहुत ही इरेगुलर शेप में रहेगा तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी फ्लोर पे गए, अभी यहाँ से मैंने शिफ्ट लिया तो यहाँ पे मैं जो स्नैक लेना है, स्नैक का जो ऊपर वाला बटन मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सब टूल पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे। मूव पे गए, यहाँ से इधर, इधर से मैंने तो इधर से मैंने मैनेज किया और यहाँ से मैं इतना पार्ट को यहाँ पे मैं ऐसे करके हल्का सा थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया। मेरे पास यहाँ पे ऐसे शेप्स है तो मैंने यहाँ पे इधर लिया, हल्का सा टर्निंग पॉइंट इधर किया और देन मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, वो शेप्स इधर से इधर दिख रहा है, ये इधर और ये अंदर, ये तो सबको कहने के आपको यहाँ पे बेनिफिट दिलाने वाला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे इस पैटर्न में देखोगे तो आप यहाँ पे इमेज को रखो सामने, ठीक है। अभी ऐसे दिखा है कि इसके अंदर से आ रहा है तो आपको जितना दिखे उतना ही काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ से अगर मैं स्नैक को मैंने यहाँ पे दिखाया कि भाई मेरे स्नैक यहाँ पे है और इसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो मैं एडजस्टमेंट करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने यहाँ से देखा, ये पैटर्न हल्के से देखना है यहाँ पे, ये पैटर्न में इधर से ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न हुआ, ये पैटर्न मुझे थोड़ा सा आगे तक लेके जाएगा यहाँ पे, ये इधर और यहाँ से। तो मैं थोड़ा बहुत इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा, थोड़ा सा देखना फ्लोरिंग में देखना है ये स्नैक। अभी यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन वाली चीज़ को देखो तो आपको बस ये पार्ट इधर देखना है, ठीक है। अभी ये इधर देखना है तो इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं बस ये पार्ट, ये जो एरिया है इसके अंदर कवर होकर जाना है। आप यहाँ पे देखो तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे करना है, देन इसके अभी तो बहुत चीज़ों को मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या तो मैं मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी वो चाहता नहीं कि मैं फिर से और चीज़ों को टचअप दूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है देन ये भी पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग से या घीच घाच के मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मूव पे गए, मूव के हाथ में थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, व्हाट वी वॉन्ट यहाँ से, तो ये सब चीज़ एक बार जोड़ जाए तो भी काम हो जाए। यहाँ पर इन चीज़ों को मैं अगर यहाँ पर मैं मैनेज करने बैठूँगा तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ यहाँ से कवर होते नज़र आएगा। अभी यहाँ से अगर मैंने इसको मैनेज किया तो यहाँ से देखो ये इसके साथ जोड़ने के बाद में जोड़ने, अभी मैंने काम इसमें किया उसके बाद में ये काम इसके साथ जोड़ने का अगर मैं करूँ तो मिले ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको देख देख के काम करना है, ठीक है। बिग ब्रैकेट से गए आपने यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स में आप देखो ये देखना, ये काइंड ऑफ ऊपर से इधर से आप देखना भैया फोकस कर दिया आपने यहाँ पे फोकस, देन इधर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर से भी मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा भाई मेरे पास ये चीज़ ऐसे कवर होकर जानी है या तो मैं इसमें भी एक बार के लिए जोड़ के मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो काइंड ऑफ इधर सेफ्टी नज़र आ रहा है आपको सेप्स को यहाँ से इधर भी कवर करके लेके जाना पड़ेगा तो आप इसको भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो। देखो आप ये काइंड ऑफ यहाँ से मुझे ये काम करके दिखाना है, यहाँ तक दिखाया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट दिखाया है इसके साथ में यहाँ पे तो और सब चीज़ों को इधर भी मैं मैनेज करूँगा। तो ये ऐसे आप मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने, फोकस एफर्ट फोकस। अब ये चीज़ मुझे ऐसे दिखाना है जो इसके साथ में कटिंग होकर नज़र आए। अभी देखो इसके साथ में बस अभी हेयर में काम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को कटिंग कर दिया। देखो कटिंग करने के तरीके ऐसे भी हैं, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिलीट हिडन कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, देखो। और एक यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर है यहाँ से मैंने क्या कर दिया तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ तक मैंने कर दिया तो देखो पूरा पार्ट अपने यहाँ से कटिंग हो गया। ऐसे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। आपको काम करने का तरीका आपको पता रहना चाहिए बस। यहाँ पे देखो ऑल्टो लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको क्या जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे हल्का सा एक्स प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसा मैंने यहाँ पे क्या किया देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से तो ऐसा मैं चीज़ों मैं मैनेज कर दूँगा दुकान पर धीमे धीमे आपको सेप्स को आपको यहाँ पे लाइक कवर अप कर देना यहाँ पे देखो यहाँ पे बिग ब्रैकेट से यहाँ पे ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया। यहाँ से आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे तीन आप चीज़ों का ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो। ये काइंड ऑफ
साइज़ को आप यहाँ से इधर से भी आप मैनेज करके दिखाओगे तो आपको यहाँ पर चाहिए भी थोड़ा सा वो फ्लो के साथ आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकते हो आप यहाँ पर फोकस, ठीक है। जो आपकी हेयर स्टाइल में आप चीज़ों को देखोगे आप यहाँ पर देखो यहाँ पर ये साइज़ में आपने यहाँ से इधर और इधर भी आप चीज़ों को मैनेज करते हुए दिखाओगे तो आपका काम और बेटर हो सकता है। तो धीमे धीमे सब चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करके कवर अप करो कि भाई मुझे यहाँ पर शेप्स को ऐसे दिखाना है फोकस, ठीक है। यहाँ से शेप्स को मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे हेयर पर थोड़ा सा टाइम लगेगा काम करने में, ठीक है। और देन इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊँ भाई मैं यहाँ पर शेप्स हैं तो ये शेप में बस यहाँ से ऐसे ये बहुत ही बेसिक सा जो शेप है ना अभी देखो इसको आप करो तो जो यहाँ पे जो शेप्स है ना ये काइंड ऑफ ये मुझे ऐसे ही करके दिखाना है। ये मेरे पास देखें ये काइंड ऑफ ऐसे ही जो हेयर के जो शेप्स मेरे पास यहाँ पे आएंगे तो मैं इनको ऐसे ही करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे इन चीज़ों को मैं ऐसे ही ऐसे मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ जो शेप्स हैं वो कनेक्टिविटी यहाँ पे दे दूंगा ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखें, ठीक है। अब हेयर का जो पैटर्न है पैटर्न को एक बार देखो ये काइंड ऑफ ये देखें आप ये यहाँ पे यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा कनेक्टिविटी दिया है यहाँ पे भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी यहाँ पे देखो यहाँ से भी शेप्स को आप यहाँ पे ठीक है ये आप थोड़ा सा चीज़ों को इधर भी यहाँ से इधर से यहाँ से इधर भी पैटर्न को आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ थोड़ा सा हेयर के थोड़ा शेप्स को थोड़ा सा ये थोड़ा सा कर्ली यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स मैंने दिया ऐसे भी आप थोड़ा सा मैनेज करोगे रफ शेप देना ताकि थोड़ा सा अलग से दिखे वो प्रिंट पे भी निकल के आएगा और यहाँ पे शेप भी आपको थोड़ा सा देखने में मजा आएगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी करके दिखा सकते हो। सिंपल सा पैटर्न मत देने देखो यहाँ देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से ये काइंड ऑफ ऐसे शेप्स को थोड़ा सा बढ़िया सा निकाल के दिखाओगे तो यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो बहुत लाइनें लाइनें सी दे रही हूँ लाइनें वाला काम हम लोग बात का हमारा लेवल है तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं देखो यहाँ पे यहाँ से मैंने किया देखो यहाँ पे देखें आप ये यहाँ पर जो शेप्स जो जा रहे हैं शेप्स को कैसे दिखाएं आपने ये ऐसे करके यहाँ पर दिखाएंगे आप देखो यहाँ पे देखें यहाँ पर ये पैटर्न्स यहाँ से ये ऐसे दिखाया जाएगा ये पैटर्न्स यहाँ पे ये पैटर्न्स यहाँ पे तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को आपसे ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप चीज़ों को ऐसे भी दिखाओगे तो आपका यहाँ पे काम बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को दोस्तों मैनेज करो हल्का सा फिर शिफ्ट एंड स्मूथ हल्का हल्का शिफ्ट 100% मत करना यहाँ पे देखो यहाँ पे दो सा पैटर्न को आप मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी भाई मैं यहाँ पे दो सा चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का मैंने टचअप दिया भाई मुझे यहाँ पे दो सा काम करना है तो मैं ऐसे कुछ चीज़ों को मैनेज करूँगा तो यहाँ पर मैं दो सा पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे ये आपका एक बेसिक सा सरफेस का आपको लुक एंड फील यहाँ पे देखेगा। इसके बाद में आप अगर जा रहे हो देखो यहाँ पर आपने किया ये स्टेप्स आपको नजर आए देखो यहाँ पे स्टेप्स को कैसा है कुछ स्टेप्स आपको ऐसे होंगे तो आप मूव के थ्रू भी है आप यहाँ पे काम कर दोगे ये अप जा रहा है तो आपने अप कर दिया यहाँ पे ये डाउन जा रहा है तो आप डाउन कर दोगे आप ऐसे स्टेप्स को भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। यहाँ से अगर लगे कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम किया तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न्स को भी यहाँ पे मैंने कवर अप किया देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी ठीक है यहाँ से आप यहाँ से नेगेटिव स्कल्पिंग भी करो यहाँ से पॉजिटिव स्कल्पिंग भी करो तो यहाँ पे भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखें यहाँ पे तो थोड़ा सा बहुत बारीकी से आपको यहाँ पे काम करना है। हेयर के लिए मैंने कुछ अपने चैनल पे कुछ ट्यूटोरियल डाल रखे हैं शिव जी के कुछ हेयर्स मैंने दे रखा हूँ आप उन चीज़ों को भी फुलफिल करोगे तो आप वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हेयर के भी कुछ अलग अलग पैटर्न मैंने दे रखा है तो आप उसको भी थोड़ा सा फॉलो करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा तो मेरे पास भी चीज़ें हैं तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करके दिखाऊँ देखो ये ऐसे गया यहाँ से ये ऐसे गया यहाँ से इन स्टेप्स को थोड़ा सा वन वन करके फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा देखो तो अभी इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। देखना ये काइंड ऑफ ये ऐसे करके आप यहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो यहाँ पे देखो यहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करो तो आप कैसे यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखें अभी ये काइंड ऑफ ऐसे करके आप चीज़ों को थोड़ा सा बेटर दिखाओ तो आपको चीज़ बहुत बेटर दिखने वाला है। देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और देन देखें आप यहाँ पे आप चीज़ों को दिखाते हैं यहाँ पे चीज़ों को आप यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने 100% दिखाया देखा अब ये तो आप यहाँ से भी चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे शेप्स हैं शेप्स का तो मैं चीज़ों को ये बहुत सिंपल सिंपल शेप्स को छोटे छोटे पैटर्न के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को
लिखा होगा तो आप यहाँ पे देख ही रहेगा। अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें जिसको हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी इन चीज़ों को मैं यही बोलूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे है, तो इनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया, मैं थोड़ा सा स्कल्प करके थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसी चीज़ों को ऐसे मैनेज करना यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस लगे, ऐसा ना ऑड ना लगे यहाँ पे, तो कुछ हम लोग नीड के अकॉर्डिंग भी काम कर लेते हैं यहाँ पे, ऐसा ना हो कि भाई मुझे यहाँ पे सेप्स लगे, तो यहाँ पे जहाँ पे सेप्स है तो अप डाउन है, मैं सेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्कल्पिंग करके मैंने मैनेज कर दिया, कहीं कुछ नहीं लगने वाला, कहीं कोई आप यहाँ पे जो है वो मैनेज करते हैं, आपको आइडिया देख रहे हैं ये स्मूथ कर दिया मैंने, देखा यहाँ ऊपर का पार्ट से होना चाहिए आपका, यहाँ पे बाहर का पार्ट से होना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ों को आराम से मैनेज करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद भी अगर आपको लगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपको अगर ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सा पैटर्न ये आपने स्मूथ कर दिया, तो आप इसी में से मास्क करके आप आपने यहाँ से मास्क करके आप यहाँ से मून वाला पार्ट आप निकाल सकते हो आप यहाँ से, तो चीज़ें आप यहाँ से भी निकाल दो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इसमें से निकाल दो तो भी काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से आपने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ये कर दिया, एक्सेप्टेड, ठीक है, सेफ टर्न स्मूथ, तो ये आप ऐसे करके भी आप मैनेज करके दिखाओगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाना है। आप छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप थोड़ा सा आप काम करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे, अभी ये धीमे धीमे पैटर्न्स आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप चीज़ों को बना रहे तो कैसे बना सकते हो, चीज़ों को बनाना, चीज़ों को डील कैसे करना, बहुत सी चीज़ें जिसमें आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने आपको देखा यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं तो मैं अगर यहाँ पे मैं करता जैसे मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ से मैं बस क्या अल्फा में यहाँ पे लाइनें नज़र आई आपके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे आपको ये पैटर्न्स को मेरे को यहाँ पे ऑल्टो लेफ्ट क्लिक किया देखो, ठीक है। अभी आप इन चीज़ों को पैसे भी मैनेज करना स्टार्ट करो तो आपको यहाँ पे देखें यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे धीमे धीमे आप इन चीज़ों को ऐसे भी फुलफिल करके देखो तो आपको यहाँ पे काम होगा यहाँ पे देखो, ये पतली पतली लाइनें कंट्रोल डी डिवीजन दे देना यहाँ पे, आप इनको ऐसे भी करके देखो तो आप यहाँ पे स्कल्प कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से आप हेयर के लिए ऐसे अल्फा भी यूज़ करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो मेरे को धीमे धीमे डिटेलिंग आपको यहाँ पे नजर आएगी, देखो यहाँ पे सेफ से आपके पास यहाँ देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से इधर से ये देन आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप यहाँ से भी आपको थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ेगा आप यहाँ पे देखो, तो आप इन चीज़ों को भी आप मैनेज करके दिखाओगे। ये पतली पतली चीज़ों को आपको जो ड्रॉ करना है वो आपको ऐसे करके ही चीज़ों को फुलफिल करना है आप देखो इसमें इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, आप जो आप चीज़ों को देखोगे आप यहाँ ये काइंड ऑफ है यहाँ देखो ये देखें ये आपने ऐसे कर दिया यहाँ पे, यहाँ से कुछ नेगेटिव पार्ट्स को भी छोड़ देना है, जैसे नेगेटिव पार्ट में छोड़ दिया अभी देखो यहाँ पे ये देखना है यहाँ पे अभी फिलहाल में आपने यहाँ पे दिया ये आपने पैटर्न यहाँ पे दिया, तो ये आप यहाँ से ऐसे कवर अप करके देखो तो आपके ऐसे यहाँ पे चीज़ें भी फुलफिल नजर आएंगे यहाँ पे देखो, तो जैसा आपका फ्लो होगा ना उस फ्लो के साथ आपको डील करना पड़ेगा आपके यहाँ पे। जैसे देखो ये मैंने फ्लो यहाँ पे दिया तो ये फ्लो को मैं यहाँ से इधर भी लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये भी इधर भी लेके आऊँगा, तो ये शेप्स को भी मुझे यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, तो यहाँ से काइंड ऑफ जो बेसिक शेप मैंने अभी दिया वो शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने इधर उधर के ये शेप्स को ऐसे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ठीक है ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने दिया यहाँ पे, तो मैं इन चीज़ों को भी ऐसे भी मैं मैनेज करके दूंगा, तो एक के ऊपर एक पैटर्न आपके पास यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये देखें ये काइंड ऑफ इधर ये काइंड ऑफ ये सरफेस के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखो, मैं यहाँ पे हेयर के अलग अलग अल्फा भी ले सकता हूँ, मैंने जैसे दिखाया कि मैं बाय डिफॉल्ट अल्फा के साथ में कैसे काम कर रहा हूँ, तो आप इनके साथ भी आप मैनेज करोगे तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा, बहुत से हेयर के अल्फा भी हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ भी आप मैनेज करोगे यहाँ पे ये देखें ये काइंड ऑफ शेप्स को आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना है, देखो धीमे धीमे आप देखोगे यहाँ पे फोकस कर दो आप यहाँ पे देखो, आप धीमे धीमे आपके यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया, ठीक है, ये देखें अभी ये काइंड ऑफ यहाँ से भी मैंने यहाँ पे लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँगा तो मेरे को यहाँ पे सेफ्स ओके, तो यहाँ से मैं काम कर दूँगा यहाँ पे, तो बहुत चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से यहाँ पे दिया यहाँ पे मैंने दिया, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करते रहूँगा देखो यहाँ पे, अगर सिंपल सा बाटा कर दूँ यहाँ पे सेफ टन की हेयर भी आप काम करो तो हेयर आपको एक आध क्लास आराम से लेगा, जिस चीज़ को आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से देखो सेफ्स को अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ों को मैं यहाँ से देखो ये काइंड ऑफ यहाँ से दिया यहाँ पे, ठीक है, ये इस टाइप से भी चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो पैटर्न्स हेयर के पैटर्न्स को थोड़ा सा फॉलो करना आपको यहाँ पे, जैसे मैंने एक रफली एक आइडिया दिया मैंने कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा था,
तो इधर से भी यहाँ से मैंने लिया। पहले एक बार आप रफली चीज़ों को मैनेज करो, उसके बाद आप चीज़ों को कनेक्ट करो आप यहाँ पे, तो यहाँ सब चीज़ों को ये करो के साथ आप मैनेज करोगे तो बहुत बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, सेप्स के साथ आप यहाँ पे मैनेज करते हो, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे सेल्स को। ठीक है, जितना उसको उतना कर्व में चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करना है। फिर ये दिखना नहीं है लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा मैं इधर से मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ फिर, कि मेरे पास यहाँ पे जो स्टेप्स आएंगे उनको मैं इधर से यहाँ से देखा ये काइंड ऑफ यहाँ से ये काइंड ऑफ यहाँ से, ठीक है, ये इधर से और इधर से, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ फिर। ठीक है, इधर देखना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखे तो ये यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ को सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा इधर भी मैं मैनेज करूँगा देखना पे। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये यहाँ पे देखना है ये काइंड ऑफ आप ऐसे ही करके भी आप ड्रॉ करके दोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए वो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, पैचेस को आपको थोड़ा सा मिला देना है देखना पे, यहाँ से मैंने इधर भी दिया यहाँ पे मैं इधर भी दे रहा हूँ तो देन यहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ों को एड ऑन करना तो देखना पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे और चीज़ों को और बेटर हो सके। तो यहाँ से काइंड ऑफ फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ से देखा तो ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिला देगा तो आपके सामने थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे धीमी धीमी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो। और जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने कई ऐसे हेयर के मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रखे हैं, तो वट एवर ये पर जाओ चैनल पे जाओ चैनल पे जाओगे आपको वहाँ पे मिलेगा। शिव जी के मैंने कुछ हेयर्स को मैंने थोड़ा सा और डिटेल में भी दे रखा है यहाँ पे, एक बेसिक डिटेल्स का मैंने यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल कर दिया यहाँ पे, आप उसको भी थोड़ा सा कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे गए ऑल्टर जो कैसी में ना, तो देखो ये स्टेप्स को भी मुझे यहाँ से यहाँ पे सिमेट्रिकल काम नहीं करने वाला, तो सिमेट्रिकल के साथ यहाँ पे देखें आप ये ऐसे भी यहाँ पे आप इनको भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट में थोड़ा सा आप देखो तो ये भी थोड़ा सा एक ही पैटर्न में आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें आप यहाँ पे कुछ कुछ पतले पतली लाइन है तो यहाँ से ये काइंड ऑफ यहाँ से इधर गए यहाँ पे ये गए। आपको अल्फा को यूज़ करना आपको आना चाहिए यहाँ पे देखो यहाँ देखें अभी ये देखना ये देखना, तो ये तो ऐसा सिमिलर होगा अगर मैं एक तरफ से करूँगा एक तरफ से नहीं करूँगा तो बहुत ही ऑड ही लगेगा। तो यहाँ से मैंने तो ऐसा स्टेप्स को भी यहाँ पे मैंने अभी अब भी लगे कि आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप स्ट्रेचिंग माउस को भी यूज़ करके आप कर सकते हो। आप यहाँ पे स्ट्रेचिंग माउस का भी मैंने ऑप्शन डिस्कस किया है कि अगर यहाँ पे तो ऐसा चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ठीक है, यहाँ से आप स्टेप्स को भी आप यहाँ पे लो तो आपके यहाँ पे यहाँ पे चीज़ें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो ये आपको तो एक तो बेसिक प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप एक हेयर का भी आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि मैं यहाँ पे तो सा अगर चीज़ों को ऐसे भी यूज़ करने वाला तो मुझे किस पैटर्न से यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें अभी ये काइंड ऑफ तो यहाँ से भी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया। देखो यहाँ से सेफ सेम है बस यहाँ पे कर्व के साथ भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा थिक एंड थिन है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बारीकी से भी आपको काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ से भी देखो दिखाया यहाँ पे ये काइंड ऑफ इधर से भी दिखाया ये काइंड ऑफ यहाँ से भी दिखाया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी सिमिलर काइंड ऑफ दिखेंगे यहाँ पे, शेप्स नहीं है देखा अभी बेसिक शेप में अगर मैं देखा तो यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे और यहाँ पे देखो ये शेप्स को यहाँ पे इधर से इधर और जस्ट लाइक दिस यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे तो ये रफली हुआ मैंने यहाँ पे ऐसे भी मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे शेप में बस यहाँ पे देखा तो ऐसे करके कुछ दिखे सेफ्ट एंड क्लिक देखा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ बेटर देखेंगे यहाँ पे अगर आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो काइंड ऑफ तो चीज़ों को आप यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया मिलेगा सेफ्स कैसे हैं क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ मैंने ऑल्टो लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर देखा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेफ लिया। इस सेफ को भी आप थोड़ा सा आप डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ बना सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैंने ऐसा कुछ रखा है कि आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो पेंडेंट के लिए भी चीज़ें बेटर हो जाती है यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया शिफ्ट एंड क्लिक देखो रोटेशन में भी यहाँ पे देखो शिफ्ट देखो ठीक है देखें अब ये काइंड ऑफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैंने शेप्स को यहाँ पे देखा ये मैंने काइंड ऑफ ऐसे किया तो ये कटिंग भी हो जाते हैं आप देखो ये आपको ऐसे भी शेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप यहाँ पर भी ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये शेप्स हमने ऐसा कुछ कर दिया है चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने ये मेरे एक लो पॉली है लो पॉली को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे
हाई पॉली पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैंने जितना काम करो उतना कम है ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसमें एक बार फाइनल फुल अब फिनिशिंग नहीं दोगे और बेटर नहीं देगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया ठीक है। स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल डी एक डिसीजन देना यहाँ पे, और इन शेप्स को मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये से ठीक है, ये इधर से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ये यहाँ पे देखो सर मेरे पास अभी अल्फ़ा इसके अंदर है तो अल्फ़ा को मैं कर देता हूँ ऑफ, ये देखो ये ठीक है, अभी यहाँ पे ये आप इसको ऐसे करके अभी आप प्रोमिनेंट करके दिखा दोगे तो अभी आपका काम देखो ये प्रोमिनेंट लाइन दिखेगी आपको इस यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेफ्टनेस पहुँचेगा, अभी थोड़ा सा बेटर दिखेगा, अगर ऐसे ही करके आप जाओगे स्टार्ट करके बनाना स्टार्ट करो तो आपको इससे बहुत बेटर दिखेंगे यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको लगे कि भाई थोड़ा सा मुझे जैसे प्रोस्पेक्टिव चीज़ों को मैंने मैनेज किया तो प्रोस्पेक्टिव चीज़ों को थोड़ा सा कहीं कहीं पे लगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को ऐसे ही करके ऐड ऑन करके भी देना मैनेज करना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स कहीं पर अगर दिखे तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं करके मैं मैनेज करके दिखाऊँ ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में आपको ऐसे चैलेंजेस आपको मिलेंगे जैसे आप यहाँ पर काम करें, देखो आप कहीं पे कोई चीज़ मुझे लगे कि मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको चैलेंजेस मिलने वाले हैं और इसको मैंने कर दिया ऑफ, ये देखो आप तो अभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे चीज़ फुल एंड फाइनल आपको देखें यहाँ पे ठीक है। तो फॉर ए टाइमिंग मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करना है स्विफ्ट एंड स्मूथ, तो थोड़ा सा मैं बैलेंस कर देता यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इधर 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 ठीक है फोकस फोकस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ फोकस में चाहिए थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ से मैंने हल्का सा निगेटिव स्कल्प्ट किया यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा ठीक है। चीज़ों को मैं थोड़ा सा फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फुलफिल करेंगे तो काम करेंगे, तो यहाँ पे तो हर चीज़ों को यहाँ पे देखो ये ऐसे शेप्स को लिया यहाँ पे स्कल्प कर दिया यहाँ पे, जो ऐसे चीज़ों को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके देना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ों को देखने के, भाई मैं आप कितना मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो एक बेसिक से हमने यहाँ पे काम किया, बेसिक से हमने दिखाया भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कुछ चीज़ों को हम लोगों से साथ मैच किया, कुछ चीज़ों को हमने थोड़ा सा अलग हट के किया कि भाई थोड़ा सा मुझे दिखाऊँ तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा बेटर मुझे लग रही, तो मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए तो बहुत बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, कि इधर से मैं थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाऊँ तो ओके दिस इज़ गुड। आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया कुछ चीज़ों को लेस किया, तो आपके पास देखो एक बेसिक सा हम लोगों ने एक शिव जी के स्टैचू हमने रेडी किया, आप इसको मैनेज कर सकते हो। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गोल्ड है गोल्ड पैटर्न में यहाँ पे बी पी आर रेंडर कर देते हैं, यहाँ पे बी पी आर रेंडर में आपको यहाँ पे देखेगा ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो मेरे पास शेप्स कैसे हैं किस टाइप की चीज़ें, लाइटिंग का पार्ट है लाइट में जाते हो देखो लाइट में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अभी आपको ये एंगल इधर करना है तो आप देखो इधर भी कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, तो एंगल आपको देखो एंगल शेडो किधर जा रहा है, आपको शेडो इधर करना है तो आप इधर भी कर सकते हो और देन आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। तो शेडो का इम्पैक्ट है यहाँ से, आपने और लाइट ऐड ऑन कर दिया आपने यहाँ पे, और देन यहाँ से आप बी पे रेंडर में करोगे तो रेंडर में चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो, शेडो दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके आप एक सिंपल सा एक आप फेस बेसिक सा प्रोस्पेक्टिव इसमें कैसे काम कर सकते हैं और चीज़ों को मैनेज करके रेडी कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। तो एक तो छोटा सा पार्ट ये था कि चलो मैंने यहाँ पे काम किया और चीज़ों को दिखाया ठीक है, यहाँ पे मैं अगर दिखा दूँ यहाँ पे ठीक है। इसी के साथ अगर मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे मैंने की शॉट यूज़ कर रखा है ठीक है, तो की शॉट के अंदर भी मैं यहाँ पे जैसे एक तो मैं यहाँ पे मैंने रेंडर कर दिया, ये रेंडर आ गया मेरे पास यहाँ पे, रेंडर में जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फाइल पे गए यहाँ पे अपन पहले तो चलते हो रेंडर पे, रेंडर रेंडर के बाद यहाँ पे क्या मिलता है आपको रेंडर प्रॉपर्टीज़ और बी पी आर रेंडर पासेज ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा आपको ग्रेडियंट में करना है, आपने कर दिया फेस शिव जी फेस कर सकते हो आप यहाँ पे शिव जी फेस ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट में चाहिए तो ग्रेडियंट में मिलेगा आपको, और अदरवाइज आप यहाँ पे चलते हो रेंडर पे गए ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में भी आपको मिलेगा यहाँ पर ठीक है। तो ऐसे करके मैं अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ।